मत्ती रचित सुसमाचार 14:1-12 तक हम पढ़ेंगे और उनके ऊपर मनन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 14:1-12। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुए में से जी उठा है, इसलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उसे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उस्काने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर ताल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर ताल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। प्रिय भाई बहनों, इधर हेरोदेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हेरोदेस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को मतलब कैसे वो मार डाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का मृत्यु के बारे में हम इधर पढ़ते हैं। इधर हम पढ़ने के समय में उसका कारण क्या है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का मृत्यु के लिए कारण क्या है, वो सच्चाई के लिए खड़ा रहा, सच्चाई सचमुच में यही सही है, ऐसे हिम्मत के साथ बताया, इसलिए उसका जीवन इधर चला गया। कैसे, हेरोदेस और हेरोदियास दोनों साथ में रहते थे, वो लोग साथ में रखना वो अच्छा नहीं, वो सही नहीं है, वो उसका भाई का बीबी है, इसलिए यूहन्ना मालूम नहीं कैसे उसको हेरोदेस को सामने बताया, नहीं तो कुछ सबके सामने पब्लिक में सबके सामने कुछ प्रचार कर रहा था तब बताया, मालूम नहीं, लेकिन हेरोदियास सुन ली, हेरोदेस भी सुन लिया ये, इसलिए उसको पकड़ कर इधर जेल खाने में डाल दिया। लेकिन हेरोदेस को देखो, वो मरकुस का किताब में पढ़ते हैं, मरकुस का 6 में ये संभव को उधर थोड़ा अलग रीति से लिखा है, मतलब सेम है, मरकुस का 6 में हम पढ़ सकते हैं, मरकुस 6:14 से हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में। उधर 6:20 में ऐसे लिखा है, 6:20 में ऐसे लिखा है, हम इधर पढ़ेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उसे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था। देखो पहले इधर हम मत्ती का सुसमाचार में पढ़ते हैं, हेरोदेस पहले उसको मार डालना चाहता था, लेकिन बाद में उसको यूहन्ना का प्रचार पसंद आया,
वो उसका पाप के बारे में जब धर्म जो जो अच्छा चीज़ें बताने के समय में अपना मन में वो डर गया, मैं पापी हूँ, मैं क्या करूँ करके, लेकिन मन फिरा नहीं है। लेकिन युगन्ना का जो संदेश है उससे बातचीत करना, उसके सलाह लेना, उसके अनुसार करना, ये सब हेरोदेस को पसंद आया। लेकिन हेरोदियास ऐसा नहीं, वो समय अवसर देखते रहेगी। 21 में लिखा है ना, 21 में ये मरकुस 6:21 ठीक अवसर आया करके लिखा है। हेरोदेस का जन्मदिवस आया, तब वो हेरोदियास की बेटी नाच नाच कर हेरोदेस और उनके साथ वाले के बारे में भी लिखा है। मती रस सुसमाचार में देखते हैं वो साथ वाले कौन कौन साथ वाले थे। मरकुस में हम देखते हैं, मरकुस में हम देखने के समय में उधर बड़े बड़े अधिकारी लोग थे उस देश में, जो जो प्रधान लोग, ऐसे लोगों को बुलाया बर्थडे की पार्टी में, उनके सामने वायदा करके दे दिया, तुमको कुछ भी तुम मांगो मैं दूंगा। तब वो हेरोदियास के सलाह से वो योना बपतिस्मा देने वाला का सिर को मुझे धो करके पूछी, देखिए। फिर वो हेरोदेस उसको देखा, आजू बाजू लोगों को देख रहा है, उसको बहुत दुख हो रहा है, युगन्ना को मारना उसके लिए मन नहीं है मारने के लिए। लेकिन जो बाजू में बैठे हुए लोग, जो पार्टी में आए हुए बड़े बड़े लोगों के खातिर, वो उसको मार डाला और युगन्ना का मृत्यु हो गया। प्रिय भाई बहनों, आज मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहती हूँ। हम सच्चाई के लिए हम हिम्मत बांध कर बोलते हैं, सच्चाई को हिम्मत से बोलते हैं कि नहीं? प्रभु कलिसिया का अंदर से ही प्रभु का सच्चाई पूरा विश्व में फैलना है। प्रभु के बच्चों के द्वारा ही, प्रभु के सेवक लोगों के द्वारा ही सच्चाई त्याग करके दुनिया जानेगा। और जो भी है कलिसिया का अंदर भी जो रहते हैं, उन लोगों को पास्टर जब मतलब जो उसको उपदेश देते हैं, वचन सिखाते हैं, वो जो सिखाता है वही वो लोग जानेंगे। पास्टर नहीं तो एक बाइबल शिक्षक सच्चाई को हिम्मत से बताएंगे, नहीं तो ऐसे मतलब उसको ऐसे ढक कर कुछ ना कुछ अलग रीति से कुछ मिलावट करके बताएंगे तो लोग भी सच्चाई नहीं जानेंगे। प्रभु का वचन कहता है, पत्रस लिखता है, इस दुनिया में टेढ़े घटीले पीढ़ी है, उसमें कौन उजाला को पकड़ के दिखाए ना है। कलिसिया सच्चाई को, यही है पवित्रता, यही है सच्चाई करके कौन बोलेगा? कलिसिया बोलना है। लेकिन कलिसिया आजकल कई जगह में हम देखते हैं, कलिसिया में भी ऐसे लोग डरते हैं, पास्टर्स डरते हैं। कई कई कोई कोई कलिसिया में हम सच्चाई बोल देंगे, ऐसे प्रचार करेंगे, कई लोग चले जाएंगे, चर्च खाली हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं। अब हमको आपको मालूम है रोमियो का एक अध्याय में, रोमियो 1:18 में हम ऐसे पढ़ते हैं, पौलुस इधर लिखता है, देखिए, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से मतलब डर से, ऐसे कुछ शैतान के डर से, लोगों के डर से, बड़े बड़े धनवान लोगों के डर से, समाज के डर से, जो जो सत्य को दबा के रखे हैं उनके विरोध में क्रोध आएगा। इधर देखो क्यों ऐसे दबा के रखते हैं। इधर रोमियो का 1 अध्याय में इस पीछे पढ़ते जाएंगे तो आजकल जो हो रहा है उसके बारे में क्लियर लिखा है। आजकल अमेरिका जैसे देश में क्या हो रहा है, आदमी आदमी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, सो रहे हैं, औरत औरत के साथ, जानवर लोगों के जानवर के साथ सेक्स करना,
ये सब चीज़ें अमेरिका में अभी बहुत फैल रहा है, बच्चों को भी सिखा रहे हैं, जो बच्चे लोग मासूम बच्चे हैं उनको कुछ पाप क्या गए, सच्चाई क्या गए, गलती क्या गए, गलत क्या गए मालूम नहीं, उन लोगों को कौन सिखाएगा, माँ बाप सिखाना गए, चर्च में सिखाना गए, संडे स्कूल टीचर सिखाना गए सच्चाई क्या गए करके, लेकिन स्कूल्स में पब्लिक प्लेसेस में गवर्नमेंट उसके लिए सपोर्ट करता है। आदमी आदमी के साथ सोच सकते हैं, शादी कर सकते हैं, उन लोग बच्चा भी गोद ले सकते हैं, क्योंकि आदमी आदमी शादी करके बच्चा जन्म नहीं होगा, कितना कुदरत का विपरीत सोच देखी, फिर उनको लिए गोद लेना, उनको वो लोग बोल रहे हैं अभी हमको गोद भी लेना है, हमको बच्चा चाहिए हमारे परिवार में, उसके लिए भी गवर्नमेंट नियम बना दिया, वो लोग गोद ले सकते हैं। अमेरिका में दो आदमी के साथ बढ़ता हुआ बच्चा का मनोभावना कैसे रहेगा देखिए, दुनिया में ऐसे चीज़ हो गया है, लेकिन ये सब चीज़ को कौन बताएंगे हिम्मत से, अमेरिका में नहीं तो कोई भी देश में, कलिशिया में बताना है ऐसे रिलेशनशिप, गे रिलेशनशिप आदमी आदमी के साथ जो कर रहे हैं, औरत औरत के साथ कर रहे हैं, ये पाप है, ये नहीं कर पाएगा, ऐसे वो लोग पास्टर्स बोलेंगे, कई लोग विरोध में आ जाएंगे कलिशिया में, अमेरिका में अभी आज गवर्नमेंट आएगा कैद करके जेल खाना में डाल देगा पास्टर को, लेकिन इसको इसके बावजूद भी कितने प्रभु के दास लोग हिम्मत से अमेरिका में बोल रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, हमेशा प्रभु के लिए एक झुंड रखता है, सच्चाई को सच्चा हिम्मत से बोलने वाला एक झुंड रखता है, केवल बाइबल में नहीं है, बाहर भी अभी भी रहता है। अब ऐसे में सोचना है, कोई कोई ऐसे बोलते हैं क्या करूँ, हमारे परिवार वाले ऐसे बताते हैं, समाज में ऐसे बोलते हैं, इसलिए मैं अभी सच्चाई को बोल नहीं पाऊँगा, बोलेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे, मुझे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कलिशिया में भी कोई कोई सोचते हैं कुछ भविष्यवक्ता भविष्यवाणी बताने वाले, ये तो बड़ा धनवान है कलिशिया में आ रहा है, इसके विरोध में प्रभु कुछ बात दिखा रहे हैं, मैं इसको बोलेगा तो क्या करेगा, वो मुझे बहुत डांटेगा, कुछ मुझे समस्या आएगा, इसलिए कितने धनवान लोग जो चर्च में आ रहे हैं लेकिन गुप्त रीति में कुछ ना कुछ बुराई करते हैं, वो लोग को बोलने के लिए कोई कोई सेवक लोगों को भी हिम्मत नहीं है, और कोई भविष्यवाणी बताने वालों को भी हिम्मत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं रखना है। इधर योगना बपतिस्मा देने वाला का सिर काटा गया, फिर भी उसका नाम तो खराब नहीं हुआ ना, अभी हेरोदेस के बारे में आज भी हम उसका नाम का ऊपर जो दबा आया उसको हम बोलते रहते हैं, वो मनुष्य का डर के वजह से योगना बपतिस्मा देने वाला सच्चाई के विरोध में वो काम किया। कितने लोग पुराना नियम देखिए, कितने भविष्यद्वक्ता लोग सच्चाई के लिए हिम्मत से खड़े रह गए, अपना जान खोए, मारपीट हुआ उनको, जेल खाना में उनको डाला गया, फिर भी वो लोग सच्चाई को सच्चाई बोल रहे थे। देखिए एलिया भविष्यद्वक्ता के बारे में, आगा राजा इजबेल रानी देश का ऊपर इतना इजबेल कब्जा करके रखी थी, कोई कुछ बोलेंगे नहीं, जीभ को हिलाना नहीं है, सिर काटा जाएगा, इजबेल के विरोध में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर भी एलिजा भविष्यद्वक्ता इतना हिम्मत से वो जाके प्रभु जो बोला है, प्रभु का समूह में कड़ा रखने वाला मैं बोल रहा हूँ एलिजा, यही है प्रभु का इच्छा, यही सच्चाई, आगा राजा को हिम्मत से बताया। और नातान भविष्यद्वक्ता जो दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप किया, तब नातान ने बोल रहा है तुम ही वही मनुष्य गए, तुम पाप किया करके तुम हमारा मारना चाहिए, वो तुमको मारना चाहिए करके नातान भविष्यद्वक्ता इतना हिम्मत से बोल रहा है। और मिगाया करके एक भविष्यद्वक्ता आगाब राजा के समय में सीरिया देश युद्ध करने के लिए आगाब राजा यशोबात राजा दोनों तैयार हो रहे हैं, तब कई भविष्यद्वक्ता लोग झूठे भविष्यद्वक्ता लोग प्रभु का वाणी नहीं है सच्चाई नहीं है, वो लोग ऐसे बोलते हैं आगा राजा आप जाइए आपको सफलता मिलेगा, लेकिन मिकाया करके एक प्रभु का दास प्रभु का भविष्यद्वक्ता वो बोल रहा है आगा राजा अब मैं मत जाइए,
आपका हरा हार होगा, आप मर जाओगे युद्ध में, वापस नहीं आओगे जिंदा जाएंगे। तो तब सिदकिया करके एक झूठा भविष्यद्वक्ता आकर उसको गले में मारा, मतलब गाल में मारा, क्या तुम ऐसे बोल रहे हो करके। आघाब राजा ने बताया इसको, जो मिकाया जो भविष्यद्वक्ता जो सच्चाई को हिम्मत से बोला उसको तुम जेल खाने में डालो, उसको अच्छा अच्छी रीति से खाना मत खिलाओ, पानी भी ज़्यादा देना नहीं, कठिन रीति से उसके साथ व्यवस्था ये करो, व्यवहार करो। तब मिकाया बोल रहा है नहीं, आप वापस आएगा तो प्रभु मेरे ओर से बात नहीं किया करके सब लोग सुनिए, आघाब राजा जिंदा आएगा तो प्रभु मेरे से बोला नहीं करके सब लोग जान लीजिए, लेकिन प्रभु मेरे से बोल रहा है आप देखिए। ऐसे हुआ, आघाब राजा युद्ध में मर गया। प्रिय भाई बहनों, सब लोग प्रभु के लिए हिम्मत से खड़े रहने वाला हम रहना चाहिए। सतावनी होगा लोग का, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, कभी कभी चर्च में देने के बारे में बोलने के लिए पास लोग डरते हैं, क्योंकि गरीब लोग कुछ नहीं बोलेंगे, जो चर्च में रहने वाले धनवान लोग तुरंत बहुत सोचने लगेंगे, पास्टर को देखो अभी पैसे के बारे में पैसा पैसा बोलते रहता है, हमसे मांग रहा है, ये सब सोचने लगते हैं। इसलिए कोई कोई पास्टर्स क्या करते हैं, सच्चाई को दबा के रखना पड़ता है। इसके वजह से क्या है, कहीं गरीब लोग गरीबाई में ही रहते हैं। जब आप प्रॉस्पेरिटी को, आशीर्वाद की सामर्थ्य को, आशीष के बारे में आप सिखाना है, सिखाएंगे, और उसके सिखा आशीष पाने के लिए बीज बोना आवश्यक है। गरीब होगा तो भी उसको 3,000 रुपया ही पगार मिलता है, फिर भी उसमें से प्रभु के लिए देने के लिए बोने के लिए जब हम उसको सिखाएंगे तब वो आगे बढ़ेगा। जिंदगी में हम कितने लोगों को देखा अपना अनुभव में, आगे बढ़ेंगे कलीसिया हमेशा। जो जो नया लोग नया गरीब लोग आ रहे हैं वो लोग गरीब रहते हैं, एक बार वो लोग सीख लिया प्रभु के लिए देने के लिए, बीज बोने के लिए, कटनी काटने के लिए, वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते हम देख रहे हैं प्रिय भाई बहनों। लेकिन बोलना पड़ेगा पास्टर, धनवान लोग सोचेंगे, कोई कोई धनवान लोग सब नहीं है सोचेंगे पास्टर का पैसा का लालच आ गया करके बोलेंगे, बोलने दो। सच्चाई को कलीसिया में सिखाना चाहिए, क्या प्रभु चाहते हैं, क्या सही है, क्या सही नहीं है, ये एक हम बोल लिए हम बताना पड़ेगा, वो प्रभु को हम प्रसन्न कर सकते हैं। हम इधर वही हम देखते हैं, हमें मैं रिसेंटली एक अभी 2-3 के पहले मैं एक संदेश सुन रही थी, एक अच्छा सेवक है, उनका पत्नी दोनों बात कर रहे थे, वो लोग बोल रहे थे प्रभु के समूह में बाट जो थे वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, तब प्रभु उनको कोई कोई चीज़ को दिखाया, उनको वो लोग डाले अपना चैनल में। वो लोग बोल रहे थे अभी प्रभु का आगमन के पहले एक बड़ी एक कठिनी होगा, कई लोग प्रभु के पास आएंगे, कई लोग उद्धार पाएंगे बड़े बड़े भीड़ में, और इतना ही नहीं है चिन्ह चमत्कार बहुत होगा, लेकिन उसके पहले वो लोग एक 4 पॉइंट को वो लोग बता रहे थे, 4 चीज़ कलीसिया करना पड़ेगा। पहले वो प्रभु ने उनको बताया, पहले प्रभु को लाइटली नहीं लेना है। लाइटली लेना मतलब क्या है, प्रभु क्या बोलेंगे, प्रभु को पटा देंगे प्रभु को, प्रभु के बारे में क्या है वो कुछ सोचने दो, हम मनुष्य के मुंह देकर हम करना है, मनुष्य के डर से ही हम करना है, ये सच्चाई बताएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे, प्रभु तो हम माफ़ी में दयालु है, माफ़ी करेंगे, हम ऐसे करते रहेंगे तो भी प्रभु हमें आशीष करेंगे। ऐसे मत ले लो कलीसिया, इन दिनों में प्रभु के बारे में सीरियस ले लो, गंभीरता से प्रभु के साथ व्यवहार करो, प्रभु का ऐसे वैसे कुछ ऐसे एक कभी भी वो हम प्रार्थना करेंगे तो आएगा, अद्भुत काम करेगा फिर चला जाएगा, उसको एक साइड में मत रखो, सीरियस लेना है प्रभु के बारे में। दूसरा चीज़ वो लोग बता रहे थे, हम कलीसिया में रहने वाले प्रभु के बच्चे लोग अपने शत्रु लोगों को माफ़ करना है, शत्रु लोगों को माफ़ करना है, ये सीखना है कलीसिया। तीसरा,
सच्चाई को हिम्मत से बताना है। चारवा, मन फिरना है। प्रभु के बच्चे लोग भी प्रभु के समूह में बैठ के अपना आपको जांच कर देखना है, मैं प्रभु के साथ कैसे जीवन बिता रहा हूँ, मैं कैसे, मेरा चाल चलन कैसा है, मैं कैसे हूँ, वो सोच कर मन फिरना है। मेरा प्रार्थना का समय कैसे मैं बिता रहा हूँ, वचन पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ, प्रभु के लिए कुछ मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कैसे मेरा व्यवहार है, मन फिरना। ये चारों चीज़ कलिशिया करके तैयार होएगी। जो जो ऐसे होएंगे करेंगे, ऐसे लोगों को प्रभु बहुधा से इस्तेमाल करेंगे। बड़ा एक रिवाइवल जिलावट होने वाला है। बेदारी प्रिय भाई बहनों, उसमें एक है सच्चाई को हिम्मत से बोलना है। वो बहुत प्रभु चाहते हैं आखिरी दिनों में। आखिरी दिनों में कुछ भी रूल नहीं है। छोटे बच्चे लोगों को भी माँ बाप कुछ नहीं बोल पाते हैं। कुछ उत्तावली मतलब लोग रिबेलियस, आप कौन है मुझे बताने के लिए, ऐसे ही बोलते हैं बच्चे लोग भी। छोटे बच्चों को भी माँ बाप काबू नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है, हम हमेशा जैसे युगना बपतिस्मा माना देने वाला के समान हिम्मत बांधे। पुराना नियम में हम देखते हैं कितने भविष्य दुक्तालो, और दूसरा भी हम देखते हैं नाबोत करके एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, वो उसका जमीन एक खेत आगाब राजा के राजमहल के पास था। इसलिए आगाब राजा एक दिन आकर पूछ रहा था, पहले राजाओं का पुस्तक 21 अध्याय में है, पहले राजाओं का पुस्तक 21 अध्याय में वो नाबोत के पास आकर पूछ रहा है, तुम्हारा खेत को मुझे दे दो, कितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, नहीं तो दूसरा खेत चाहिए तो भी दूसरा जगह में दूंगा, राजमहल के पास ये है इसलिए मुझे ये चाहिए कि कुछ पालक वगैरह बनाने के लिए, गार्डन बनाने के लिए। तब नाबोत ने बोल दिया, नहीं राजा नहीं दूंगा। क्यों ना बोला मालूम है आपको? उसको पता है राजा के विरोध में मैं बोल रहा हूँ, यजबेल रानी अगले दिन भी मुझे गला काटवा सकती है, राजा भी बड़ा है, क्या क्या होगा मुझे पता नहीं है, फिर भी वो बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? मूसा का नियम में व्यवस्था में ऐसा प्रभु ने दिया है, कोई भी कुल गोत्र है, रूबन यहूदा लेवी मतलब सिमियोन इस्साकार, अपना अपना कुल के लिए जो यहोशुआ जो बांट के दिया इसराइल देश में जमीन, उसको दूसरा कुल में बेचना नहीं है, दूसरा कुल के लिए देना चाहिए और नहीं उधर नहीं जाना चाहिए, अपना अपना कुल के लिए जो यहोशू प्रभु का अगुवाई के साथ जो बांट के दिया अपना अपना कुल में कोत्र में रखना है, दूसरों को नहीं बेचना है। उसके कारण नाबोत ना बोल रहा है। लेकिन क्या हुआ आपको मालूम है? आप पढ़ के देखेंगे एक राजाओं का पुस्तक 21 अध्याय में यसबेल रानी ने नाबोत और उनके बेटे लोगों को मार डाल दिया अन्याय रीति से। लेकिन सच्चाई के लिए हिम्मत से खड़ा रहा। कितने गवाही है वो रिचर्ड उम्बरंड करके एक सेवक कम्युनिस्ट देश में थे। तब उधर कम्युनिस्ट देश में रशिया और उनका आजू बाजू देश में वो लोग का सरकार क्या किया, कम्युनिस्ट सरकार सब कलिशियाओं को कब्जा कर दिया। वो लोग बोल रहे थे बाइबल के अनुसार आप लोग सिखाना नहीं चाहिए, जो सरकार बोलेगा उसके अनुसार सिखाना है करके जो सेवक लोगों को कब्जा किया। सो कई सेवक लोग हाँ 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 करके चले गए गवर्नर सरकार के नीचे। लेकिन एक बार एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, तब वो जो ऐसे सेवक लोग प्रभु के विरोध में कई बातें किए मंच पर, तब रिचर्ड उम्बरंड और उनके पत्नी वो लोग सुन रहे थे। तो उनके पत्नी बोल रही थी, रिचर्ड आप अभी जाइए मंच पर जाकर प्रभु के लिए बात कीजिए, सच्चाई के लिए हिम्मत से खड़ा रहिए। तब वो गया और जाके जो सब लोग दूसरा जो सेवक लोग गवर्नमेंट के सरकार के कब्जा में गए, सच्चाई के विरोध में डरपोक होकर बोल रहे हैं, उन लोग प्रभु के मुँह के ऊपर थूक रहे हैं, उस थूक को आप साफ कीजिए जाइए करके बोल दिया। तो जाकर सच्चाई को हिम्मत से बोला। 19 साल जेल खाना में कम्युनिस्ट कंट्रीज में इतना सतावनी हुआ, उनके बीबी को भी जेल खाने में डाले। बहुत सतावनी के बाद में 19 साल के बाद में वो आज़ाद पाई। कई साल सेवकाई किया, फिर बहुत बुढ़ापे में वो लोग दोनों मर गए। फिर ये भाई बहनों ऐसे आज भी लोग गए, हम ऐसे मत सोचें कलिशिया में हम ऐसे सच्चाई को
हिम्मत से बोलेंगे तो लोग चले जाएंगे करके आप मत सोचिए, जाने दो। जिसको सच्चाई का आदि नया रखना चाहेंगे जाने दो। अब सच्चाई को प्रेम से बताइए, लेकिन बताइए, जो जो जाना चाहते हैं जाने दो, हम क्या करेंगे। कलिशा में थोड़े लोग रहेंगे तो भी रहने दो। प्रभु के दिल को हम, प्रभु का दिल को हम खुश करना आ गए। दूसरों के लिए हम सेवकाई नहीं कर रहे हैं, पौलुस कहते हैं, पौलुस में बोल रहा है, मैं क्यों अभी क्यों इतना सतावन में सहन रहा हूँ, सच्चाई के लिए मैं कड़ा रह रहा हूँ। इसलिए पत्रस के विरोध में भी वो बोल रहा था। विरोध मतलब क्या है, पत्रस अन्य जाति लोगों के साथ खाना खाया और कोई यहूदी लोग आकर उसको डराया, तुम अन्य जाति के साथ कैसे खाना खा सकते हो, यहूदी के लिए मना गए। तब पत्रस डर गया, हाँ ऐसे ऐसे करके डर गया। फर्नबास भी उसके साथ चला गया। तब पौलुस बोलता है कलाती का पुस्तक में, मैं एक क्षण भर भी मैं उनके लिए मैं सहमत नहीं हुए, मैं हिम्मत से पत्रस को सामना किया, फर्नबास को सामना किया। अब सच्चाई के विरोध में क्यों कर रहे हो प्रभु, अन्य जाति लोगों को भी कलिसिया के अंदर लेके आ गए, अब उसको क्यों अशुद्ध करके अब सोच रहे हो करके सच्चाई के लिए कड़ा रहा। पौलुस अपने जीवन में सच्चाई के लिए कड़ा रह कर आखिरी में उसके वजह से रोम का जेलखाना में वो बंदी बनकर वो रहा और उसके खातिर उसका सिर काटा गया। प्रिय भाई बहनों, बड़ी झुंड गए प्रभु के लिए सच्चाई को बोलकर, कष्ट सहने वाला, लेकिन उस झुंड में अपना आपको आप शामिल कराइए, डरपोक मत होइए। विशेष करके सेवक लोग और जो प्रभु के बच्चे लोग सब हिम्मत बांध रहे हैं, आखिरी दिन हम ऐसे रखेंगे, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। प्रभु का आगमन के पहले जो कटनी होने वाला है उस महिमामय कटनी में आपको भाग मिलेगा। नहीं तो हम सच्चाई बोलने से डरते हैं, लोगों के लिए डरेंगे, हेरोदेस समान हम साइड किया जाएंगे। हम ऐसे साइड किए नहीं जाए, हम प्रभु के लिए बोल ले रखें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपका आशीष करें, आमीन।